आज हम लोग करने वाले हैं स्केल नट का डिटेल्ड रिव्यू 2023 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिव्यूज करता रहता हूँ और साथ में हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग की, वेब होस्टिंग की और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में। आज हम लोग एक AI राइटर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है स्केल नट, जो कि काफ़ी पॉपुलर है एंड ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग इट फॉर मोर देन 2 मंथ्स। मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे यूज़ केसेस यूज़ करके देखे हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आज का रिव्यू आपको देने वाला हूँ। जो मेरे पास अभी करंट स्केल नट का प्लान है वो ये वाला ग्रोथ वाला प्लान है जिसको मैं अभी यूज़ करूँगा एंड आज हम लोग इसी का रिव्यू करेंगे। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड आपको मैं आखिरी में बताऊँगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी है मेरे पास आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट के, लॉन्ग फॉर्म राइटर के बारे में। जैसे आप लोग लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। लॉन्ग फॉर्म पे जाने के लिए आप लोगों को डैशबोर्ड पे जाना है एंड देन दिस क्रिएट ब्लॉग इन 5 मिनट्स, इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंटर कीवर्ड, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने कीवर्ड डाल देने हैं, तो मैं डाल देता हूँ कॉफ़ी हेल्थ रिस्क, ये मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है, एंड कॉफ़ी डिसएडवांटेजेस ये मेरा सेकेंड कीवर्ड है। लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे US, आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट। इसके बाद पहले तो यहाँ पर ये मुझे SEO रिपोर्ट देगा कि लोगों ने क्या लिखा है और कौन कौन से की आउटलाइन मैं एक यहाँ पे बनाऊँगा डिपेंडिंग कि दूसरे लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है। तो अगर आप लोगों ने कभी मार्केट न्यूज़ यूज़ किया हो या न्यूरॉन राइटर यूज़ किया हो तो वो वाली फंक्शनैलिटी भी इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो SEO रिपोर्ट मेरी रेडी हो गई, बट उससे पहले यहाँ पर मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि मेरा ब्लॉग किसके बारे में है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरा ब्लॉग किसके बारे में है एंड देन आई विल क्लिक क्रिएट टाइटल। तो इसने यहाँ पर मुझे कुछ AI जनरेटेड टाइटल्स दे दिए हैं, ये है कुछ इसके टाइटल्स एंड इसमें से आई कैन चूज़ अ टाइटल। यहाँ फिर जो दूसरे आर्टिकल्स है जो अभी रैंक हो रहे हैं इस कीवर्ड के लिए, उन्होंने क्या टाइटल्स दिए हैं वो भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट रन, हेल्थ रिस्क ऑफ टू मच कॉफ़ी, 10 हेल्थ रिस्क यू नीड टू नो, क्रिएट आउटलाइन। अब यहाँ आउटलाइन के लिए यहाँ तो जो दूसरों के आउटलाइंस हैं ये सब अगेन टॉप रैंक्ड आर्टिकल्स हैं, ये पहले से ही हैं दूसरी वेबसाइट्स में, तो मैं यहाँ से कुछ आइडियाज़ ले सकता हूँ। यहाँ फिर आई विल क्लिक हियर एंड आई विल क्लिक AI सजेशन। तो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ सजेशंस आ गए हैं। व्हाट आर द हेल्थ रिस्क ऑफ टू मच कॉफ़ी, हाउ डेंजरस कॉफी इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ कैफीन, व्हाट टू डू इफ यू ओवर कंज्यूम कैफीन, ठीक है, एंड अभी यहाँ पर डालूंगा 10 हेल्थ रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है, AI सजेशंस एंड देन आई विल क्लिक एड H3। अब AI सजेशंस, तो ये जो ड्रिंकिंग कॉफ़ी अभी मुझे इसके देगा, ये इम्पेयर्ड सी, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हायर ब्लड प्रेशर, वेट गेन, कैफीन एडिक्शन, AI सजेशंस, तो 1, 2, 3, 4, 5, डिहाइड्रेशन कॉज एंजाइटी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मैंने यहाँ पे 10 जनरेट कर लिए हैं, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ एंड इफ़ आई वॉन्ट मैं यहाँ पर इसको मूव भी कर सकता हूँ, ये वाला हटा सकता हूँ एंड देन कंक्लूजन CTA में आई कैन सेलेक्ट गेट इन टच या फिर कमेंट बिलो, आई विल सेलेक्ट दिस एंड देन आई विल राइट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने देके रखे हैं, ये सब AI राइटर्स के सजेशंस है तो मैं ये सब इंक्लूड कर सकता हूँ। रिस्क क्वेश्चंस के लिए AI है मेरे पास, कोरा है, गूगल है एंड रेडिट के भी यहाँ पे इसने सजेशंस दिए हैं। तो ये जो आउटलाइन बनाने का फीचर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं यहाँ पे बहुत सारा और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक दिस अ हेल लॉट ऑफ डिटेल्ड आर्टिकल जस्ट बाय इंक्लूडिंग अ गुड आउटलाइन। फॉर आई क्लिक जनरेट राइटिंग पॉइंट, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ क्विकली। तो यहाँ पर मैंने अपने पॉइंट्स को एडिट कर दिया है, मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है एंड देन आई हैव रिमूव्ड 1 पॉइंट H2 हियर और मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है हाउ मच कॉफ़ी इज टू मच कॉफ़ी। आई विल क्लिक जनरेट राइटिंग पॉइंट्स एंड देन ये मुझे एक आउटलाइन दे देगा एंड उस आउटलाइन के बेसिस पे फिर ये आर्टिकल लिखेगा। जैसे अभी क्या हो गया, अभी इसने मुझे आउटलाइन दे दिया कि हाउ मच कॉफ़ी इज़ टू मच कॉफ़ी, उसमें ये क्या क्या लिखेगा। अब जैसे डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दिए तो ये मेरे लिए यहाँ पे काम की नहीं है। 10 रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, इम्पेयर्ड स्लीप, ये ठीक है, ये भी ठीक है, वेट गेन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब यहाँ पे इसने मुझे ठीक दिया है एक्सेप्ट दिस वन, जो पहला वाला है हाउ मच कॉफ़ी इज़ टू मच कॉफ़ी। फिलहाल के लिए ये वाला टाइटल यहाँ पे छोड़ दूंगा। देन आई विल क्लिक जनरेट कंटेंट, अगेन इसने मुझे क्वेश्चंस के लिए भी बुलेट पॉइंट दे दिए हैं एंड ये सब मुझे यहाँ पे सही लग रहे हैं। तो इसने मुझे यहाँ पर आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया है एंड ये जो आउटपुट दे रहा है ये मुझे पार्ट बाय पार्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ इसने मुझे सब आउटपुट दे दिया है। तो जो इसका इंटरफेस है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है,
जिस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जिस तरीके से इसका अभी तक का यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी फास्ट है, क्लीन है, इजी टू यूज़ है, बग्स अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिले हैं। एंड लॉन्ग फॉर्म के लिए जो यूज़र इंटरफेस है इसका, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। डिटेल्स भी डाल सकते हो और आपको जो आउटपुट मिल रहा है उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज़ माई फाइनल आउटपुट, फर्स्ट ड्राफ्ट ये मेरा रहा, ठीक है, हाउ मच कॉफ़ी, ठीक है। एंड ये है यहाँ से मैंने, ये अगेन पहला पैराग्राफ मुझे इसका अच्छा नहीं लगा है, इंट्रो इज़ गुड एंड 10 रिस्क इम्पेयर्ड स्लीप, रिस्क रिस्क वेट गेन, ये अच्छा लगा है मुझे। वर्ड काउंट भी इसने मुझे अच्छा दिया है, 2500 वर्ड्स का मेरा यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड काउंट इसने पूरा कंज्यूम कर लिया है। एंड वॉट टू डू इफ़ यू कंज्यूम, ये वाला अगेन मुझे इसने प्रॉपर नहीं दिया है तो इसको मैं वापस से रीराइट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो इसने मुझे दिया है वो सब अच्छा है, और रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, और ये जो क्यू एंड है ये भी इसने दिया है, कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छे दिया है। एंड कंक्लूजन में मैंने कहा था कि कमेंट का यहाँ पे सीटी डालो, तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग लोअरिंग योर कैफीन इनटेक फर्दर कमेंट बिलो, तो ये इसने अच्छा किया है। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, आई विल क्लिक प्रिव्यू, ठीक है, ये रहा। आई कैन डाउनलोड दिस ड्राफ्ट, डाउनलोड के ऑप्शंस में मेरे पास क्या है, PDF, HTML, वर्ड डॉक सब यहाँ पर अवेलेबल है। आई क्लिक एक्सपोर्ट टू एडिटर, ये रहा कॉफ़ी हेल्थ रिस्क, एंड दिस इज़ माई फाइनल, ये इनका एडिटर है। एडिटर में यहाँ पे बेसिक ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं और साइड में ये आपको पूरी कंटेंट ब्रीफ भी दे देगा, की टर्म्स बता देगा कि ये सारे की टर्म्स है जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। बेसिकली कि SEO रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करा रहा है अलॉन्ग विथ रॉन्ग टर्म, तो जैसे मेटाबॉलिज्म नहीं है तो मेटाबॉलिज्म मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक भी, 10 के बीच में। साइड इफेक्ट्स कितनी बार होना चाहिए, 1 से लेकर 25 के बीच में। तो ये NLP की टर्म्स आपको दे देता है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली इफ़ यू हैव यूज्ड अ सॉफ्टवेयर लाइक सर्फर SEO जो आपको आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ दोज टूल्स, आपको आर्टिकल लिखने में भी हेल्प करता है और आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी हेल्प करता है। एंड देन कॉम्पिटिशन है, क्वेश्चन है जिसका यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू स्टिल नीड अदर AI टेम्पलेट्स तो उसका भी यहीं से यूज़ किया जा सकता है। तो ये था इसका लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट एडिटर जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ बाकी टेम्पलेट्स के ऊपर, जो रिमेनिंग टेम्पलेट्स है यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर, AI कॉपी राइटर के नीचे ये सारी आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएगी। अब मैं ये सब आपको यहाँ पे रन करके नहीं बताऊँगा, रन करके बताऊँगा, अब रन किए हुए आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है यहाँ पे, ब्लॉग पे इसका डिटेल्ड आर्टिकल है जहाँ पे A to Z पूरा बताया है कि क्या है, क्या क्या आउटपुट मिले हैं हमें, वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगी। तो आउटपुट अगर आपको सारे देखने हैं तो एक बार वाली ब्लॉग पोस्ट जाके देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ कि कौन कौन से मुझे अच्छे लगे हैं, कौन से यहाँ पे बेकार लगे। एक हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी विल यूज़ हियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यूज़ करने के लिए इसको सिंपल है, आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी करना है, जैसे मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट किया था, यहाँ पर इनपुट्स आ जाएंगे कि क्या इनपुट देने हैं, एक ब्रांड का नेम देना पड़ेगा एंड डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये मैंने ब्रांड नेम दे दिया अपना KP क्लाउड स्टोरेज, एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दिया, एंड देन आई क्लिक जनरेट, एंड इट कैन टेक अप टू 30 सेकेंड टू जनरेट, यूजली उससे जल्दी हो जाता है। तो ये रहे इसके, यू आर अ फैन ऑफ क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छे दिए हैं इसने मुझे, आई थिंक मुझे फर्स्ट लुक में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लेंदी है बट स्टिल इट्स नाइस। एंड इसमें यहाँ पर मैं एडिटर पे इसको ऐड टू एडिटर कर सकता हूँ, ये रहा एडिटर, एडिटर पे आपको सारी बेसिक डॉक्स वाली एडिटिंग की सेटिंग्स मिल जाती है। एंड इफ़ आई वांट टू सेव दिस तो मुझे न्यू डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन आई कैन से रीनेम इट टू वॉट एवर आई वॉन्ट, लेकिन जब तक मैं ये नहीं करूँगा ये सेव नहीं होगा। तो मान लो मैंने जनरेट करके छोड़ दिया इसको और मैंने इसको ऐड टू एडिटर नहीं किया है तो ये सेव नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ स्केलनट। अब अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, ऑनलाइन रिव्यू जनरेटर अच्छा है, Q&A में हमारे पास कोरा के आंसर्स यहाँ पर अच्छे थे, आंसर क्वेश्चन एंगेजिंग क्वेश्चन वाला ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अब अगर आपको इन सब में देखना है कि मैंने क्या इनपुट दिया था, क्या आउटपुट दिया था, तो ब्लॉग पर भी है। और ब्लॉग पर एक और चीज़ है, जब आप लोग यहाँ पर नीचे जाओगे तो एक टेबल बना के रखा है कि जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे रिसर्च करी है, जो भी इनपुट्स दिए हैं वो सब आपको इस टेबल में मिल जाएंगे। इट्स डाउन मोर एग्जांपल्स, यहाँ पर ये टेबल है जहाँ पर हमने बताया सोशल मीडिया की सारी कैटेगरीज कवर करी है, ब्लॉगिंग की जो भी मेन मेन कैटेगरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट ब्लॉग ब्लॉग आउटलाइन। तो जब ये वाला इनपुट दिया तो हमें ये आउटपुट्स मिले हैं, और इसमें हमने क्या रेटिंग दिया बेस्ड ऑन द आउटपुट्स दैट वी गॉट, 4-स्टार रेटिंग दी है हमने। एंड इस तरीके से आपको ये जितने भी हैं, जितने भी इनपुट्स आउटपुट्स अगर आपको देखने की क्या दिया है इसने अपने आप से आपको ये चेक करना है तो यू कैन गो हियर, एंड ये आपको टेबल हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा, इसमें सारे कवर किया है।
लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। नेक्स्ट जो मुझे अच्छा लगा है आर्टिकल कॉपी राइटिंग में, इसमें ऑलमोस्ट सभी अच्छे थे, सभी ने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो आर्टिकल कॉपी राइटिंग मुझे अच्छा लगा है, ब्लॉगिंग के लिए अच्छा लगा है। सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ ऑप्शन ही नहीं है ज़्यादा, और जो ऑप्शन है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं है। कॉपी राइट में AIDA, PAS, फीचर टू बेनिफिट, ये तीनों के रिजल्ट मुझे अच्छे लगे थे। वेबसाइट कॉपी बुलेट पॉइंट्स वॉज गुड, लैंडिंग पेज, हीरो टेक्स्ट, बाकी ये सब एवरेज सा था। बुलेट पॉइंट्स मेरे एक्सपीरियंस में अच्छे थे। वीडियो कंटेंट में डिस्क्रिप्शन वॉज गुड, टाइटल कुछ खास अच्छा नहीं था। वीडियो स्क्रिप्ट वॉज अगेन एवरेज। ईमेल कॉपी राइटिंग में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, कैची ईमेल सब्जेक्ट, सेल्स ईमेल जनरेटर, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि अगर मुझे वेकेशन लेनी है HR से, वो सब यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। दैन एडवर्टाइजिंग कॉपीज फेसबुक की अच्छा था यहाँ पर, गूगल हेडलाइंस, गूगल डिस्क्रिप्शन, दिस वॉज गुड, और लिंक्डइन भी अच्छा था, मतलब एड कॉपीज भी यहाँ पर डिसेंट से मिल जाती है आपको। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है इनके डॉक्स में, जैसे यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, तो इनका एक AI टूल बार है जहाँ पर आपको राइट का मिलता है, इंस्ट्रक्ट मिलता है और कनेक्टर्स मिलता है। राइट मतलब वो बेसिकली उसके आगे यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पैराग्राफ जनरेटर, मुझे एक टॉपिक पे पैराग्राफ चाहिए, दैट लेट्स से कॉफ़ी बीन्स, मुझे इस पर एक पैराग्राफ चाहिए, तो आई क्लिक जनरेट और ये मुझे यहाँ से पैराग्राफ दे देगा। एंड देन व्हेन आई एंटर दिस पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने ऐड टू एडिटर कर दिया, मुझे इसके आगे यहाँ पर कुछ और लिखना है, तो आई विल ऐड राइट। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन इट कैन राइट। तो इंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका चाहिए चीपेस्ट कॉफी बीन्स अराउंड द ग्लोब, तो आई क्लिक दिस, आई क्लिक इंस्ट्रक्ट, तो बेस्ड ऑन दिस, तो इसने मुझे यहाँ पे लिस्ट दे दी है कि कहाँ पर मुझे सस्ती कॉफ़ी मिल सकती है। नाउ इसमें एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो एक कनेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, अब मुझे इसके आगे एक और पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कॉन्ट्रास्ट में जाके हाउएवर, लेट्स सी मुझे क्या देता है ये आउटपुट। हाउएवर कॉफी इज़ नॉट जस्ट फॉर ब्रेकफास्ट एनीमोर, विथ ऑल द डिफरेंट फ्लेवर्स एंड वेराइटीज अवेलेबल, कॉफी कैन बी एन्जॉयड एट एनी टाइम ऑन डे और नाइट। तो मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह के फ्लो में अपना पैराग्राफ लिखना है। तो हमने लॉन्ग फॉर्म कवर कर दिया, टेम्पलेट्स देख लिए, SEO हब में SEO डॉक्स देख लिए, टॉपिक SEO डॉक्स बेसिकली वही है SEO रिपोर्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो वैसा ही है। एंड देन टॉपिक क्लस्टर्स, यहाँ पर आपको टॉपिक क्लस्टर्स भी मिल जाते हैं, वो क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने डाला कॉफ़ी बीन्स, मैंने पहले से डाल के रखा है, तो मैंने यहाँ पर डाला था कॉफ़ी बीन्स, आई क्लिक ओपन क्लस्टर रिपोर्ट, एंड देन यहाँ पे मुझे टॉपिक्स मिल जाएंगे मेरे मेन टॉपिक से रिलेटेड जिसके अराउंड मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये रहे कॉफ़ी बीन, स्टारबक्स, और यहाँ पे मुझे उसकी वॉल्यूम भी मिल जाती है अप्रॉक्स, तो जैसे ये तो मेन हो गए, एंड देन इफ़ आई गो डाउन तो मुझे यहाँ पर कुछ यूनिक भी मिल सकता है, जैसे कॉफ़ी की कैटेगरीज हो गई, बेस्ट कॉफ़ी बीन्स इन द वर्ल्ड, कॉफ़ी बीन्स सप्लायर्स, दिस कैन बी अ गुड टॉपिक, ग्राइंडिंग कॉफ़ी बीन्स, बल्क कॉफ़ी बीन्स, टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स, बीन रोस्टर्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, चॉकलेट कवर्ड कॉफ़ी बीन्स और अच्छा टॉपिक है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ गुड, एंड ये कुछ इसने मुझे यहाँ पे टॉपिक्स बता दिया, एंड देन उस टॉपिक्स के अंदर और क्या क्या ये कवर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी बीन्स, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हो अपने आर्टिकल में। तो दिस टॉपिक इज़ नॉट गोइंग टू रैंक ऑन जस्ट दिस वन, ये दूसरे टॉपिक्स पे भी रैंक करेगा, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव कॉफ़ी बीन्स, चीप कॉफ़ी बीन्स, स्टारबक्स कॉफ़ी बीन प्राइस, तो आपका मेन टॉपिक ये रहेगा बट उसके अंदर आप ये सब भी इंक्लूड कर सकते हो, तो मल्टीपल टॉपिक्स के लिए आपका जो मेन आर्टिकल है वो रैंक करेगा, एंड टोटल सर्च वॉल्यूम आपको इस आर्टिकल से 3200 अप्रॉक्स मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर इनका क्रोम एक्सटेंशन भी है जिसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, तो इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट डालोगे, मैं यहाँ पर जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा मेरे पास आ गया है ऑप्शन स्केल नट का, मैं यहाँ पर इसको रीफ्रेस कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू राइट इन सम डिफरेंट कंडीशन, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन दिस आर्टिकल, एंड इफ़ आई वांट मैं यहाँ पर इसको वापस से कर सकता हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, दिस इज अ वंडरफुल आर्टिकल, तो इसे यहाँ पर रीफ्रेस कर दिया है। एंड देन आई हैव वेरियस टेम्पलेट्स ऑल्सो, कि मैं ईमेल लिख रहा हूँ तो अगर मुझे यहाँ पर ईमेल लिखना है इसी से तो इसमें कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को आंसर करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसका जो क्रोम एक्सटेंशन है इट वाज नाइस, रिफ्रेश की फंक्शनैलिटी अच्छी है और टेम्पलेट्स भी काफ़ी अच्छा है अगर आप लोग ईमेल वगैरह लिख रहे हो, क्योंकि ईमेल की यहाँ पर इनके जो मेन था मेन टेम्पलेट्स थी ईमेल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यूज़ केसेस नहीं थे, सिर्फ एक दो ही थे, बट इफ़ यू आर एक्चुअली यूजिंग ईमेल्स तो आप इनके क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ करके यहाँ पर कुछ अच्छे ईमेल्स लिख सकते हो। कमिंग ऑन टू द प्राइजिंग, इनके तीन प्लान्स आते हैं, इंडिविजुअल, ग्रोथ, प्रो। मेरे एक्सपीरियंस में ग्रोथ प्लान बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी मिल जाता है, क्रूज मोड भी मिल जाता है, AI सेटिंग्स सब कुछ इसी प्लान में है, इनफैक्ट अनलिमिटेड वर्ड्स भी है,
तो ग्रोथ प्लान इज़ द बेस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन जो इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है स्केल नट की, वो आपको इसके ग्रोथ प्लान में देखने को मिलेगी। डिस्काउंट कूपन कोड की बात करूँ, अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाकर परचेस करोगे go.kripeshadvani.com/scalenut, तो यहाँ पर आपको 10% तक का ऑफ मिलेगा ऑन योर फर्स्ट मंथली पेमेंट। उसके लिए आपको मेरे लिंक पे जाना है, साइन अप कर लेना है, एंड देन व्हेन यू मेक द पेमेंट यू नीड टू एंटर द कूपन कोड फर्स्ट 10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट मंथ। नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू प्रोज एंड कॉन्स, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि स्केल नट ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाकर परचेस करोगे तो आई विल मेक अ स्मॉल कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन हेल्प मी बाई यूजिंग माई लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोज हियर। जो मुझे इसमें अच्छा लगा है वो इसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट काफ़ी अच्छा है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है, स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी थी, यूज़र इंटरफेस क्लीन है, कोई भी बग्स नहीं है, क्रोम एक्सटेंशन इनका बहुत अच्छा है, और जो सपोर्ट है लाइव चैट सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। नाउ कमिंग ऑन टू सम ऑफ द कॉन्स दैट आई हैव फेस, मुझे यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं मिला है। जो भी अगर मुझे सेव करना है तो मुझे उसको ऐड टू एडिटर करना पड़ता है, जो भी मैंने जनरेट किया है वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं कर रहा है। सेकेंड, यूज़ केसेस लिमिटेड मिले हैं मुझे, सोशल में काफ़ी लिमिटेड है। ईमेल्स के लिए यू कैन यूज़ द क्रोम एक्सटेंशन, बट जो इनकी वेबसाइट है उसमें यूज़ केस कम है। और टोन सेटिंग्स यहाँ पर मुझे नहीं देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल अगर कैजुअल लिखना है, फ्रेंडली लिखना है, या फिर टेक्निकल ज़्यादा लिखना है, या फिर फनी लिखना है, तो वो सारे ऑप्शंस मुझे नहीं देखने को मिले। सो कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट ब्लॉग के लिए, लॉन्ग फॉर्म के लिए ब्लॉग के जितने भी टूल्स होते हैं, FAQs एंड टाइटल्स, इंट्रोस, पैराग्राफ्स, सब के लिए ये एक काफ़ी अच्छा टूल हो सकता है। गिवन द प्राइस पॉइंट दैट इज इट इज़ कमिंग, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वर्ड्स भी मिल रहे हैं, SEO ऑप्टिमाइजेशन भी है, टॉपिकल क्लस्टरिंग भी आपको करके दे रहा है। सो फॉर दैट प्राइस आई थिंक इट्स गुड। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट जनरेट करना है तो दिस इज़ द टूल दैट यू कैन गो फॉर। और अगर आप लोग बजट में देख रहे हो तो राइट सोनिक कैन ऑल्सो बी ए गुड ऑप्शन, उसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो थम्स अप दे रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।